वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से आज एक पेंटिंग एग्जीबिशन का शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें कि ये पेंटिंग एग्जीबिशन की जो थीम रखी गई है रिवर ऑफ माय बर्ड, ये इसकी जो है थीम रखी गई है। और यहाँ पर अलग अलग जो स्कूली छात्र और छात्राएं हैं उनके द्वारा अगर बात करें तो ये पेंटिंग्स यहाँ पर लगाई गई हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज जो हैं वो रखी गई हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं किन कैटेगरीज में कैसी कैसी पेंटिंग्स जो हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और इसका अगर बात करें इस एग्जीबिशन के शुभारंभ, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वीक के जो हेड हैं यानी कि ऑफिसर हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, सुरेश कुमार गुप्ता के द्वारा जो है इसका रिबन काट कर अब शुभारम्भ किया जा रहा है। और तस्वीरें आप इस समय मांडा जू की देख रहे हैं, मांडा जू में जो है इस एग्जीबिशन को रखा गया है। और यहाँ पर अब इनके द्वारा इन पेंटिंग्स का जो इन बच्चों के द्वारा अगर बात करें तो पेंटिंग्स यहाँ पर बनाई गई हैं। और ये देखिए ये पेंटिंग्स जो हैं अलग अलग पेंटिंग्स इन अलग अलग स्कूली छात्रों के द्वारा बनाई गई हैं। और ये सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसमें अगर हम बात करें क्लास सिक्स से एट्थ क्लास के बच्चे हैं, फिर इसके अलावा नाइन्थ टू ट्वेल्थ क्लास के बच्चे हैं, फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के बच्चे हैं, यानी कि फर्स्ट क्लास से लेकर बारहवीं कक्षा तक के बच्चे जो हैं इस एग्जीबिशन का हिस्सा बने हैं। और ये देखिए साफ लिखा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वीक सेलिब्रेशन, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें इस पेंटिंग एग्जीबिशन को जो है ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसकी थीम मैंने आपको बताई बर्ड्स ऑफ माय रिवर रखी गई है। और इसमें अलग अलग जो स्कूली छात्र हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है और अपनी जो कहीं ना कहीं उनके अंदर कैसे विचार है, क्योंकि अगर बात करें वाइल्ड लाइफ लेक के बारे में तो उनके विचारधारा जो है वो जानना बहुत ज़रूरी था। और उन्हीं के विचारों पर जो है इस तरीके के ये जो पूरी पेंटिंग एग्जीबिशन जो है यहाँ पर रखी गई है। आपको बताऊं कि आप जैसे जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में वाइल्ड लाइफ वीक जो है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है, तो केंद्र शासित से जम्मू कश्मीर में भी हम जो है वाइल्ड लाइफ वीक हर साल मना रहे हैं और इस बार भी मना रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि 2 तारीख को हमने श्रीनगर में एक प्रोग्राम किया जिसका जो इनाग्रेशन है वो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने किया, और उसी की कड़ी में आगे जो है हर रोज़ जो हमने कोई ना कोई प्रोग्राम रखे हुए हैं, कुछ ट्रैकिंग इवेंट्स रखे हैं, कुछ पेंटिंग कंपटीशन रखे हैं, कुछ ग्रीन वॉक्स रखी हैं। तो इसी कड़ी में आज जो है 5 तारीख को एक ये पेंटिंग एग्जीबिशन का प्रोग्राम है जो हमने हमारे जो एक सहायता कर रही है एक NGO हिमालयन एवियन, इनके कोलेब्रेशन के साथ हमने ये ऑर्गेनाइज किया है। पिछले साल जो है ये प्रोग्राम जो था इसमें लगभग कोई 140 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, तो इस बार ये संख्या जो है डबल हो गई है, 250 से ऊपर है। और इसमें अलग अलग जगहों से जो बच्चों ने पेंटिंग में इसमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, इसमें जैसे बनी एरिया जो है वहाँ से बच्चे हैं, डोडा साइड से बच्चे हैं, जम्मू शहर और इसके आगे पीछे के गाँव के बच्चे हैं, कश्मीर से भी कई जगहों के बच्चों ने जो है इसमें प्ले किया है। इसमें बच्चों ने ऑन स्पॉट पेंटिंग्स भी की हैं और अपने घरों में भी की हैं और वहाँ से जो है इन पेंटिंग्स को कलेक्ट करवाया गया है। तो ये अवेयरनेस के लिए जो वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए है, जो हमारी जीव विविधता है उसकी जो प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए एक प्रयास है। और इसके लिए जो है जो हमारे साथ भागीदार हैं जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ काम करती हैं उनमें जो हिमालयन एवियन भी एक है, ये उनके सौजन्य के साथ हमने किए हुए। आपका नाम? मेरा नाम अर्शिया है। अर्शिया मुझे बताओगे कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? मैं 6 की हूँ। 6 क्लास के हो तो आपने भी यहाँ पर पेंटिंग बनाई? हाँ। आपने अपनी पेंटिंग में क्या बताया? क्या मैंने एक आउल बनाया है और वो नदी के पास इतने आराम से बैठा है, अगर हम उन्हीं आउल्स को हम अगर अपने घर में पिंजरों में कैद करके रखें तो उनके ऊपर क्या बीतरी होगी हम ये सोचें।
अगर हमें भी ऐसे कोई अंदर कैद कर दे तो हमारे ऊपर क्या बीतेगी। जैसे कि अगर हमें 2 घंटे के लिए कोई रूम में बंद कर दे तो हम पे कितना बुरा लगता है, कितनी बुरी बीती है। बर्ड्स को फ्री छोड़ दिया। हाँ जी, मैं चाहती हूँ कि बर्ड्स को फ्री छोड़ दिया जाए, वो जहाँ घूमना चाहें वो चले जाएंगे खुद ही। आपका नाम? अवंतिका भट्ट। अवंतिका कौन सी क्लास का स्टूडेंट? फिफ्थ क्लास की हो। अगर बात करें तो यहाँ पर अलग अलग पेंटिंग्स बनाई गई, आपने अपनी पेंटिंग में क्या बनाया? मैंने डक बनाया हुआ है जिसमें बोल रहे हैं कि डक को फ्री छोड़ो, डक को मारो मत, पकड़ो मत। अगर आप मानती हैं कि बर्ड्स को फ्री छोड़ना चाहिए कि ताकि वो भी एक इंसान की तरह, जैसे हम इंसान हैं हम कैद में नहीं रह सकते, वैसे बर्ड्स को भी फ्री, हाँ उनको भी हमें फ्री रखना चाहिए क्योंकि वो मतलब वो भी हमारी तरह ही होते हैं, वो भी एक नेचर में उनका भी एक। चलिए बच्चे हैं यहाँ पर अलग अलग क्लास के हैं। बेटा आप बताओ आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीषी शर्मा है। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं सेकंड बी में पढ़ती हूँ। आपने बनाई पेंटिंग? क्या बनाया पेंटिंग में? मैंने एक पैरेट बनाया है। क्या बनाया है? पैरेट बनाया। पैरेट बनाया है। क्या मैसेज हुआ पेंटिंग के थ्रू? मेरा फेवरेट बर्ड पैरेट ही है। मैं चाहती हूँ कि वो सारे उनको उसको संभाल के रखें और उसको अच्छे अच्छे खाना देखें। तो इनका बड़ा प्यारा सा मैसेज है। बेटा आपका नाम? मेरा नाम शोनिया शर्मा। और कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ? मैं PS3 क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, मुझे बताओ आपने क्या बनाया था? मैंने एक डक बनाई है, वो पानी में तैर रही है। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो सबको, क्या बोलना चाहते हो कि बर्ड्स को फ्री छोड़ दो? हाँ। आपको बर्ड्स अच्छे लगते हैं? हाँ। तो मतलब बर्ड्स उड़ते हुए अच्छे लगते हैं ना, अगर उनको केज में रखो या कैद में रखो तो उनको गुस्सा आता है? हाँ। तो आपको नहीं पसंद है वो कैद में? आपने घर में रखे बर्ड्स? नहीं रखे हैं। चलो ठीक है। तो ये बच्चों का प्यारा प्यारा मैसेजेस हैं जो बच्चे ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पर ये वक्त है जब बर्ड्स को फ्री छोड़ना होगा, क्योंकि अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वीक की बात करें तो एक हफ्ते से जो है सिर्फ ये जागरूकता नहीं आएगी, हमें अपने बच्चों के अंदर वो जागरूकता लानी होगी। और हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची। बेटा आपका नाम? मेरा नाम संचिता है, मैं सत्या पब्लिक स्कूल से हूँ। आपने क्या बनाया पेंट? मैंने डक्स को फ्रेंडली दिखाया कि हमें डक्स को पिंजरे में नहीं, एनिमल्स को पिंजरे में नहीं कैद करना चाहिए, उनको आज़ाद फ्रीडमली छोड़ देना चाहिए, जिससे वो हमारे और भी फ्रेंडली हो जाएंगे, हमें एनिमल्स के साथ लिविंग बींग जैसा ही बिहेव करना चाहिए, ना कि एनिमल्स जैसा कि वो बोल नहीं सकते इस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पर ये बच्चे जो हैं ये मैसेज साफ तौर पर दे रहे हैं और यही इनकी उम्मीद है कि भविष्य में जो है, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते आए हैं कि घरों में कैद कर दिया जाता है पिंजरों में इन पक्षियों को, तो वैसा ना किया जाए और इन्हें आज़ाद छोड़ दिया जाए। उम्मीद यही करते हैं कि इनका मैसेज जो है हर तक पहुँचेगा, हर घर तक पहुँचेगा और कहीं ना कहीं लोगों को समझ आएगा कि किस तरीके से हमें जो है हर दिन जो है कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वीक को जो है मनाना है। तो हमारे इस एपिसोड में बस इतना ही। जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।